एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी भाई पंडित काजी एक ही जात है एक ही जात है एक ही जात है एक ही जात है कि भाई बाहर से खूब सफाई करते हो, खूब चमकाते हो, लेकिन मन जालिम की सफाई आप कभी करते नहीं। अंदर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से आत्मा बुरी तरह दबी पड़ी है। अगर ये सात गिलाफ कहीं या रोग कहीं ये आत्मा को लगे हुए हैं तो इनकी सफाई करना अति जरूरी है। संत कभी ये नहीं कहते कि बाहर की सफाई ना करो, सफाई करो, लेकिन बहुत सारे सज्जन बाहर की सफाई करते हैं दूसरों को लूटने के लिए, दिखावा करते हैं, ऐसा पहनावा, सेंट वगैरह इतना इतना कुछ लगाते हैं कि कोई मुर्गी फंसे से ही। उनका काम लोगों को लूटना होता है, ना कि राम नाम गाना। जैसा आपको शुरू में बताया, हमें कोई ये नहीं है कि ये बातें आप ना करें, आपकी इच्छा है, मर्जी के मालिक है, जैसा मर्जी पहनावा पहनिए, सेंट लगाइए, चाहे सेंट से नहाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब है कि जितना जोर आप बाहर लगाते हैं कहीं थोड़ा सा अंदर लगा दो तो परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल आप बन सकते हैं। अंदर जब तक मैल रहेगी, अंदर जब तक बुरे विचार रहेंगे, बाहर का कोई फायदा नहीं। और अंदर की सफाई के लिए राम नाम से बढ़ के और कोई साबुन या कुछ भी ऐसा नहीं जिससे अंदर की सफाई हो। सिर्फ राम का नाम है, मालिक की याद है, और अंदर पाक पवित्र होने से मालिक की दया मेहर ही नहीं मिलती बल्कि उसके दर्श दीदार भी हो जाया करते हैं। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, घर कहा है शरीर को कि इसे साफ कर दे बुराइयों से, छल कपट से। अगर परम पिता परमात्मा को देखना चाहता है, पर ज्यादातर लोग इन शब्दों के अर्थों को समझ नहीं पाते बल्कि ज्यादातर यही समझते हैं कि बाहर की साफ सफाई बढ़िया है। जैसे एक सज्जन जो बहुत नशेड़ी थे, उनके घर में आम बोतलें शराब की खाली लुटकी रहती, हड्डियां वगैरह पड़ी रहती, बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल रहता। लेकिन एक दिन देखा बिल्कुल साफ सफाई की हुई है। जब उनसे पूछा गया कि ये सफाई क्यों, कहते सुना है घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए।
कहता मैंने घर को साफ कर दिया है, कलई चूना कर दिया है और अच्छी धूप बत्ती कर ली है, अब तो मालिक आएगा ही आएगा। हमने कहा भाई तू कितना समझदार और मालिक को कितना भोला समझता है, तू चूना लगाने को तैयार बैठा है, चूना लगा के तू सोचता है ऐसे मालिक जाल में फंस जाएगा? अरे वो तो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। तो जो संतों ने कहा है वो अंदर की सफाई कहा है, बाहर की सफाई करो अच्छी बात है, लेकिन अगर राम को पाना है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाना है, तो आपको अपने अंदर की सफाई करनी होगी, हृदय की मैल उतारनी होगी, और यह तभी संभव है जब आप मालिक के नाम का सुमरण करें, भक्ति इबादत करें। राम नाम से ही अंदर की मैल उतर सकती है। जब तक इंसान मालिक के नाम का सुमरण नहीं करता, मालिक के नाम का जाप नहीं करता, अंदर पाक पवित्र हो नहीं सकता। अंदर की पवित्रता निर्भर करती है सुमरण पे। सेवा करो, सुमरण करो, सेवा के बिना इंसान का ध्यान मालिक से जुड़ नहीं पाता। सेवा से प्रेम बढ़ता है, परमार्थी सेवा, दूसरों के भले के लिए की गई सेवा, जिसमें गर्ज ना हो, स्वार्थ ना हो, तो ऐसी सेवा और सुमरण जो लोग किया करते हैं मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। पर ज्यादातर मुख में राम बगल में छुरी, जुबान से मालिक का नाम लेते रहते हैं और अंदर छल कपट समाया रहता है कि कब दांव चले, किसी को लूट लूं, किसी का सामान अपना बना लूं, कोई आगे क्यों बढ़ रहा है उसे कैसे गिराऊं, चुगली निंदा बुराइयां ये दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। ज्यादातर लोग इस कलयुग में ईश्वर के नाम का दिखावा करते हैं, थोड़ा सुमरण किया, बाकी टाइम मायक पदार्थों में, दुनियावी बातों में खोए रहते हैं। उनका ध्यान दुनियावी चीजों की तरफ, वस्तुओं की तरफ ज्यादा लगा रहता है। मालिक की तरफ ध्यान लगाने वाला तो कोई कोई होता है, कोई कोई होता है जो ईश्वर की याद में समय लगाता है। और ये तो कभी नहीं कहा जाता कि काम धंधा ना करो। कई सज्जन कहते कि सारा समय थोड़े ही सुमरण होता है, इसका मतलब कबीर साहब जी ने झूठ लिखा है, रूहानी संतों ने झूठ कहा है। जी नहीं, वो उन्होंने जो भी लिखा सच लिखा है। सुमरण हो सकता है पर उसके लिए अभ्यास चाहिए। आप काम करते रहिए, कार्य करते रहिए, लेकिन अपना जो ख्याल है, अपने जो विचार हैं, अपने ईश्वर से जोड़ के रखिए। उस मेहनत में भी फायदा होगा और भगवान की भक्ति भी हो रही है। जैसे पहले माता बहने दो दो तीन तीन मटके उठा के बहुत दूर से पानी भर के लाती, हाथ छोड़ देती, साथ वाली से खूब बातें भी करती, मजाल है कि मटका हिल जाए, दो या तीन मटके सिर पे ज्यों के त्यों धरे रहते। क्यों? जबकि वो बातें कर रही हैं,
हाथ छोड़ रखे हैं। असल में उनका अंदर का जो ध्यान होता है वो बैलेंस बनाने में या मटकों में जमा रहता है, बाहर से बातें करती रहती। तो वैसे ही बाहर से काम धंधा करते रहिए, अंदर का ध्यान अपने ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ के रखिए। तो बाहर के काम धंधे में भी फायदा और मालिक की भक्ति भी बनी रहेगी। पर ऐसा इंसान करना नहीं चाहता क्योंकि इसने तो बुराइयां गानी है, बुरे कर्म जुबान से करने हैं, तो कहां से मालिक याद आएगा। साधारण बातें हों, दुनियावी बातें हों, काम चल जाता है, सुमरन हो सकता है। पर जब इंसान मन की मैल नहीं गवाता तो सुमरन में ध्यान लग ही नहीं सकता। तो मन को धोएं, इसको धोने के लिए सत्संग में आए, राम नाम की साबुन लगाएं और लगाते चले जाइए। जब आपके पास और कोई कार्य नहीं, जब आप खाली हैं, तो तब तो आराम से सुमरन हो सकता है। लेकिन आपको हैरानी होगी, ऐसे ऐसे इंसान जिनको कोई दुनियावी फिक्र नहीं होता वो भी सुमरन नहीं करते, क्योंकि उनके अपने ताने बाने सुलझते नहीं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। इधर की उधर की फलां कैसा है, वो वैसा है, बस टाइम पास कर लिया। अजी क्यों टाइम पास करते हो, जब आपके पास समय है तो क्यों नहीं सुमरन करते। मालिक को याद कीजिए, चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे साधु हैं, कोई भी हैं। अगर फकीर जो वचन कहे उसको विचारो अमल करो तो बेड़ा पार है। तो यहां पे रहते हुए आप रूहानियत के नज़ारे देख सकते हैं, और अगर सुन के अमल नहीं करते, चाहे आप कुछ भी बने फिरते हैं लोगों की निगाह में, असल में आप कोरे हैं, खाली हैं। तो इसलिए भाई सेवा सुमरन हर किसी को करना चाहिए, इससे बड़ा ही सुख मिलता है, बड़ी ही शांति मिलती है, इंसान के अंदर बर्दाश्त शक्ति बढ़ जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है। वो किसी के गलत कहने से भी यूं शांत रहते हैं जैसे एक बर्फ हो, सफेद शांत। कैसे लगती है जब उसे देखा जाए, कितनी ठंडक देती है। तो ऐसा ही वो इंसान हो जाता है जो सुमरन से लग जाता है, मालिक के नाम से जुड़ जाता है। पर आपको बर्फ कम तवा ज्यादा नजर आएगा। रोटी बनाने वाला तवा होता है, उस पर जरा सा पानी का छींटा मारो तो आपको पता कैसी आवाज आती, जैसे सब कुछ जल गया हो। तो आज ज्यादातर सज्जन बाहर से चाहे कैसे भी हो पर मुकाबला तवे का कर रहे हैं। जरा सी बात करो यूं लगता है आपने ये किस बिच्छू को छेड़ लिया। बिच्छू भी बेचारा थोड़ा डर जाता है, लेकिन ये तो सामने आंखें निकालता है, भड़कता है। देखा होगा अपनी आम जिंदगी में, आप हैरान रह जाते हैं कि बात कुछ भी नहीं थी, ये भड़क क्यों गए। जब अंदर मामला गड़बड़ है तो भड़केगा ही, अंदर शांति है तो भड़कने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शांत शांत चित रहिए। कह तो दिया हमने, पर रहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कमाई, रूहानियत की कमाई, राम नाम की कमाई करनी होगी, तब जाके आप शांत में जीवन गुजारेंगे। और यकीन मानिए, चाहे आप आजमा के देख लो, दो तीन महीने करके देख लो, बाद में आपको पश्चाताप आएगा कि बाकी की जिंदगी मैंने यूं ही भड़क भड़क के गुजार दी, यूं ही तड़फता रहा, पहले क्यों नहीं पता चला। तो संत तो आदकाल से कहते आ रहे हैं, आगे पहले की तो कोई बात ही नहीं, वो तो समझाते आए हैं कि सुमरन पे जोर दो, सेवा करो, क्योंकि खाली मन शैतान का चरखा है। इस पे कोई ना कोई तंद जो है वो बुराई का चढ़ा रहेगा, धागा चढ़ा रहेगा।
इसलिए खाली ना रहें, दुनिया में रहते हुए आप हार्ड वर्क करें, हक हलाल दसानुवादिकृत कमाई कड़ा परिश्रम करें और साथ में सुमरन करें। चाहे वो अपने स्वार्थ के लिए आप कमा रहे हैं, लेकिन सुमरन तो परमार्थ है, खुशी देता है। हालांकि सुमरन भी अपने लिए ही होता है, पर खास करके इस कलयुग में उसे आत्मा का कल्याण का रूप कहते हैं, तो इसलिए उसे करना बड़ा मुश्किल है। तो आप सुमरन करें और नेकी करें और अपने अल्लाह मालिक राम पे विश्वास रखें। जब इंसान विश्वास नहीं रखता तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। कई सज्जन भटकते रहते हैं, मालिक यहां मिलेगा वहां मिलेगा, कई तो लेट लेट के जाते हैं, 6-6 महीने बीमार पड़े रहते हैं बाद में, कई पैदल चल के जाते हैं, पांव पे छाले हो जाते हैं, कई सारी सारी रात जागते रहते हैं, शोर मचाना हमने देखा, सिगरेटें बीड़ी फूंकते रहना, चारों तरफ धुएं के बादल, और अच्छा खाने को माल होता है, दे तेरे की ले तेरे की, बाकी सुनने वाले तो सो जाते हैं, बस वो 2-4 बैठे होते हैं, दे दड़ा दड़ दड़ा दड़, पता नहीं क्या खाया होता है, बाकी सब कुछ पड़ा होता है कि जब भूख लगे खा लो, तो इस तरह से मामला चलता रहता है। अजी अगर ऐसे सारी रात जागने से मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के आगे बैठे होते, वो रात को सोता ही नहीं। तो सोने जागने से मतलब नहीं, रात को जागना रूहानियत में कहा गया, लेकिन उसमें सुमरन किया जाए। तो पाखंडों के पीछे ना चलो, कहीं देखा है कई सत्संगी होते हुए भी ऐसा कर जाते हैं, कहते जी राम नाम तो ले रखा है पर ये बाबा सुना है काफी काम देता है, क्यों ना काम इससे भी ले लें थोड़ा बहुत, घर का ना घाट का, वो वाली बात हो जाती है, घाट तो है ही नहीं और रूहानियत की तरफ से भी धब्बा लग जाता है। इसलिए आप पुख्ता रहिए, दुख सुख उतार चढ़ाव जिंदगी के दो पहलू हैं, ये आते हैं, सुमरन करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। आप बिस्तर तोड़ते रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, काम करना नहीं चाहते, तो अल्लाह राम किसकी मदद करे बिस्तर तोड़ने में आपकी, बताइए और क्या करेगा, किस तरह से आपकी मदद करे, क्या करे वो, दोष ईश्वर को ही देना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि उसने बोलना तो है ही नहीं। पर ये एक तरह से भक्ति मार्ग से हटके बातें हैं। कड़ा परिश्रम जो किया करते हैं वो राई से पहाड़ दुनियावी चीजों में बन जाया करते हैं, ऐसा देखा है। हार्ड वर्कर बहुत तरक्कियां करते हैं और साथ में सुमरन हो तो रूहानियत में भी तरक्की करके वो दोनों जहां में माला माल हो जाया करते हैं। तो इसलिए आप पुख्ता रहिए, अपने मालिक प्रभु परमात्मा पे दृढ़ विश्वास रखिए। पर कई बार इंसान जल्दबाज हो जाता है, जैसे एक रिधि सिद्धि फकीर था, एक जमींदार भाई उसके पास जाया करता था, वो उससे खुश हुआ और एक मंत्र दे दिया, कहने लगा ले भाई ये मंत्र बोलते रहना, जो भी लोहे का सामान हाथ में रखेगा वो सोना हो जाएगा, तो थोड़े दिन तूने सेवा की जा तुझे ये बख्शा। और उसने काफी घर में जाके मोटा सा लोहा ले लिया कि सोना बनाना ही तो थोड़ा बड़े वाले को बना ले, और मंत्र पढ़ के लगा बन जा सोना बन जा सोना, मंत्र थोड़ा पढ़े फिर बन जा सोना लगा रहा। कुछ समय गुजर गया, कुछ और समय गुजर गया, तो जल्दबाज था वो इंसान, गुस्सा आ गया अंदर ही अंदर, बाहर से तो बोले जा रहा है बन जा सोना, अंदर कहते यार ये मुझे मूर्ख तो नहीं बना गया, मैं कब का लगा हूं, ये लोहे का लोहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। बहुत गुस्सा आया अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, बाहर बोलता रहा बन जा सोना, आखिर गुस्सा चरम सीमा पे आ गया, कहता अरे बेवकूफ
सोना नहीं बनता तो पीतल बन जा, वो पीतल बन गया। बस एक बार अगर और कह देता बन जा सोना, तो सोना बन जाता। तो यही हाल होता है रूहानियत में, कब मालिक रहमतें बख्श दे कुछ कहा नहीं जा सकता, कब आपका बर्तन तैयार हो, कब दया में रहमत मिल जाए, पर आप जल्दबाज होते हैं, बस किसी ने कह दिया। खास करके माता बहनें ज़्यादा करती हैं, भाई लोग फिर भी बेचारे चुप हो जाएं। ये कहते नहीं मुझे फलां सहेली ने बताया, वहाँ जाने से इतना कुछ मिलता है, बस पीतल बन के रह जाता है। सोना बनने का टाइम होता है, लाती हैं खबरें माता बहनें, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के, मुझे मेरी सहेली ने बताया। दो कई लोग ऐसे हो गए, एक जगह एक सज्जन हमसे मिले, तो वो सत्संग पे आया करते थे। हमने कहा भाई आप आए नहीं, पहले की बात है। कहने लगा जी मैं क्या जाऊं, मुझे रोग था शायद शुगर या कुछ ऐसा। तो कहने लगा काफी गया हूं फायदा तो हुआ नहीं, अभी एक मेरे घर से बहन ने बताया है इधर कोई है वो दवाई छुड़ा देता है और शुगर हट जाती है, बस वहां जाके नोट चढ़ाने होते हैं। हमने कहा रे अपना जीवन कीमती है, देखना दांव पे मत लगाना। कहता ना जी, वो चला गया। तो और वहां पे गया और सत्संग से आना हट गया, और कुछ दिनों के बाद शुगर के अटैक से उसकी मौत हो गई, क्योंकि दवा दारू छोड़ दी। एक दिन तो लगा कि बढ़िया है, क्योंकि वो मनोविज्ञान होता है, नई जगह जाओ इतना भरा होता है तो ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि हाँ अच्छा सा लग रहा हूं। लेकिन धीरे 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 धीरे, क्यों दवा छोड़ दी बिल्कुल, और वो पार हो गया। माना कि लिखतकार है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहाना तो बड़ा अजीबोगरीब बना ना। तो ऐसे पाखंडों में मत पड़ो माता बहनों, मत ऐसी अफवाहें उड़ाया करो। भाई लोग भी उड़ाते हैं, नहीं भाई उथे मैं थोड़ा पवाया सी, मैंने ना एक जादू करवाया था उससे फायदा हो गया। तो जादूगर को देश वाले अपने जो नेता जन हैं या बड़े जैसे कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको जाके पकड़ाओ ना, सारे देश का भला हो जाए एक जादू करके। आप अकेले का क्यों करवाया आपने, सारा देश का भला हो जाए और आपकी वाह हो जाएगी आपने करवाया। तो ऐसे पाखंडों में मत पड़ा करो, ये सब झूठा है, सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात यही है कि आप कर्म करोगे तो फायदा होगा। बहुत उपाय उड़ाते हैं, अजी भक्त हिल जाते हैं। कई सज्जन ऐसे ऐसे टोट के घड़ के लाते हैं, मुझे मालिक मिला, उसके दर्शन हुए, वो मेरे घर आके दूध पीता है, मक्खन खाता है, बड़े बड़े हिल जाते हैं, मैं भी जलूंगा। अरे उसी के पास क्यों आएगा, तेरे पास नहीं आ सकता क्या? तो भाई ये बड़े अजीबोगरीब बातें हैं लोगों को भटकाने के लिए, और कच्चे भटक जाते हैं पक्के नहीं। कबीर जी ने लिखा है कोई कहे ना कि मैं आसमान में उड़ता हूं तो भी कोई बात नहीं, कोई कहे कि मैं देही पलट लेता हूं, शेर बन के दिखा दूंगा, ये हाथी बन जाऊंगा, कहता क्या बड़ी बात है, ये तो रिद्धि सिद्धि है, मजा तो तब है जब मुझे भी भगवान के पास ले चले। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो बाकी सब झूठ है। सच है भी तो उसकी आत्मा के लिए, ना कि प्रचार करने के लिए। वो जब दूसरों को दिखाने की हैसियत नहीं रखता, शोर क्यों मचाए। हाँ अच्छी नेक बात बताओ उन लोगों को जो भटके हुए हैं, जो मालिक की राह पे नहीं चलते, ताकि वो भलाई नेकी की प्रभु की बात सुन के भलाई से जुड़ जाएं, तो आपको फल जरूर मिलेगा। एक ही नूर से, नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी एक ही जात है।